सिद्धार्थ नगर परिवहन विभाग के द्वारा आज एक रैली निकाली गई, जिसमें परिवहन विभाग सिद्धार्थ नगर के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने पैदल मार्च करते हुए नारे लगाते हुए चल रहे थे। ये पैदल मार्च पोस्ट हाइडल तिराहे से लेकर RTO ऑफिस तक निकाला गया, जिसमें लोगों को हेलमेट लगा के चलने के लिए प्रेरित किया गया। वही चार पहिया वाहनों की सीट बेल्ट लगाकर चलने के लिए प्रेरित किया गया। लोगों ने नारे लगाते हुए अपनी रैली को समाप्त किया। आजकल हो रहे दुर्घटनाओं से बचने के लिए सबको हेलमेट लगाना आवश्यक है, ताकि सिर में लगने से बचा जा सके। आज रैली के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया गया। इस रैली में स्कूली बच्चे, SSP के जवान, CO सदर व परिवहन विभाग के सभी कर्मचारियों ने बैनर के माध्यम से लोगों को बताया कि आपका जीवन मूल्यवान है, इसलिए सुरक्षा ही बचाव है, जिससे आप अपने परिवार में जा सकते हैं। और विभाग द्वारा पर्चे भी बांटे गए, जिसका स्लोगन है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। इसी प्रकार के दर्जनों स्लोगन लगे पर्चे लोगों में बांटे गए। वही सोरतगढ़ विधानसभा के विधायक अमर सिंह चौधरी ने आज के इस रैली का संबोधन किया। वह कहा, इस तरह के कार्यक्रम परिवहन विभाग के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसमें सभी लोगों ने पैदल मार्च किया। इस समय के बदलते समाज में जहां आए दिन गाड़ियां फर्राटे भर के सड़कों पर चलते हैं, उन पर रोक लगानी चाहिए। वही ARTOA के शुक्ला ने बताया कि ये परिवहन विभाग द्वारा कल से पूरे प्रदेश में रैली कार्यशाला के माध्यम से लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, जिसमें आज हमारे यहाँ सिद्धार्थ नगर में रैली निकाली गई है। कल चेकिंग अभियान चलाया जाएगा, जिसमें लोगों को जागरूक करने के साथ साथ उनको बचाव के टिप्स भी दिए जाएंगे। विभाग से हमारे जनपद सिद्धार्थ नगर में RTO ऑफिस के तत्वाधान में हमारे दोनों ARTO साहबान और हमारे सदर के डिप्टी SP पुलिस प्रशासन से और बाकी जितने भी पुलिस प्रशासन के SSP के लोग और बाकी स्पोर्ट डिपार्टमेंट के नौजवान, ARTO डिपार्टमेंट के सभी कर्मचारी, क्षेत्र के सभी गणमान्य नौजवान जितने लोग थे, सब लोगों ने ये वंदिस्वा जो कार्यक्रम परिवहन मंत्रालय द्वारा आहूति किया गया है, किया जा रहा है, इसमें अभी मतलब आप देखे हैं कि कम से कम 2 किलोमीटर का रोड मार्च तय करते हुए, जागरूक करते हुए सड़क कन्हैया से लेकर के वो पावर हाउस से लेकर के RTO ऑफिस के कैंपस तक ये कार्यक्रम किया गया है मिलजुल करके हम लोग। तो इससे एक ऐसा संदेश देना कि चूंकि बढ़ती हुई पॉपुलेशन, जनसंख्या और साधन सवारी, मोटरसाइकिल से लेकर फोर व्हीलर से लेकर टू व्हीलर तक, थ्री व्हीलर तक, जो मतलब आज के दौर में आप देख रहे हैं जो काफी तादाद में लोग चल रहे हैं सड़क पर, यूज कर रहे हैं, सबको खरीदने का शौक, चलने का शौक, चलाने का शौक है, उसमें सुरक्षा की गारंटी। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है और इसमें सरकारी और गैर सरकारी सभी तरह के लोगों का सहयोग रहा है। सरकारी विशेषकर पुलिस विभाग का, SSP का और विद्यालयों का और गेम के क्षेत्र का, इन लोगों का, और इसमें बिलैया तिराहे से लेकर के ARTO ऑफिस तक ये पैदल मार्च निकाला गया और सड़क संबंधित स्लोगन लिखवाए गए और नारे लगवाए गए। इससे समाज में एक जागरूकता फैलेगा। यातायात से संबंधित जितने भी नियम हैं उनमें अधिकांश जनता को पता होते हैं, लेकिन लोग लापरवाही बस या उनको कम गंभीरता से लेने के कारण उनका पालन नहीं करते हैं। और ये जो छोटी छोटी बातें हैं, जो यातायात संबंधी नियम हैं, सावधानियां हैं, यदि इनका प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से दुर्घटनाओं में बहुत कमी आएगी और लोग सुरक्षित परिवहन कर सकते हैं।